अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में शुरू होने से पहले ही आपका जो एक डाउट रहता है कि सर ये नो योर रैंक पर अगर हम क्लिक करते तो क्या आता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें होंगे तो लिख के आ रहा है यहाँ पर, देखिए चेक शेड्यूल एक्टिविटी इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अभी जो इसका प्रोसेस है ये खत्म नहीं हो गया, क्लोज का मतलब हो गया बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है, अभी ये शुरू होना है। चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 21 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की आवेदन स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट वर्सेस सरकार, आपके मन में एक सवाल होगा, अब पूरा मामला चल रहा है 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन के बच्चों का। ठीक है, तो कौन जीतेगा, 12वीं के छात्र जीतेंगे कि आप लोग ग्रेजुएशन करके यहाँ पर हैं, आप लोग जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अब बड़ी बात इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये है कि हमने ग्रेजुएशन किया, 3 से 4 साल का टाइम दिया, और जो बच्चे 12वीं पास है आज आपसे 4 साल पीछे हैं और वो आपकी बराबरी चाहते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। पहले दोस्तों आपको बता दें, जब मामला कोर्ट में जाता है तो कैसे लेट होता है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, देखिए कल सुनवाई थी, आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किंतु कतिपय कारणों से यह सुनवाई नहीं हो सकी। अब 27 नवंबर की अगली डेट लग गई है, मतलब जो कल होनी थी 20 तारीख को, 20 को ना होके अब 27 को होगी, एक हफ्ते का सीधे टाइम दे दिया गया। तो कुल मिलाकर कुछ बातें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि भैया जब मामला कोर्ट में जाता है तो इतना आसान नहीं होता है जितना हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में जाएंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग की हालत खराब हो जाती है। ठीक, जब जज साहब के सामने कोई भी खड़ा होता है ना, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे खुद ही गवर्नमेंट हो, तो भैया जज साहब के सामने किसी की नहीं चलती है। तो ये सारी बातें, इसलिए हम आपको ये वाली बात आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ सके कि हमारा मामला भी जो डीएलएड एडमिशन का है वो कोर्ट में जा चुका है। ठीक है, आप लोग के कुछ कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किए जाएंगे और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है वो भी देखेंगे। देखिए भैया, नीतीश जी ने दिया है नियुक्ति पत्र, 1,14,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बने राज्यकर्मी। सीएम ने मन से पढ़ाने का दिया संकल्प, ठीक है, दिलाया गया संकल्प, फिलहाल नहीं हो रहा है इनका स्थानांतरण। ठीक है, तो 1,14,000, ठीक है, टीचर सीधे नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिल गया। तो हमारे ये पड़ोसी राज्य बिहार का नाम आप लोग ने सुना होगा, उम्मीद करते हैं हर बच्चा जानता होगा बिहार के बारे में, और वहाँ ताबड़तोड़ वैकेंसी पिछले कुछ सालों से आई है, कितना चीज़ें हो रही बिहार में और यूपी में आप नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा 2024-26 सेशन का, देखें जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आती, ठीक है, स्टेट रैंक या काउंसलिंग की डिटेल्स नहीं आती, तब तक डेट बढ़ने का चांस बना रहेगा 50-50%। ठीक है, वैसे अब मुश्किल है जरूर, लेकिन स्टेट रैंक नहीं आती तब तक आप उम्मीद कर सकते हैं, रैंक दे दो भाई लोग, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। कब तक एडमिशन होगा सर, थोड़ा सा अभी सब्र बनाए रखिए, हमने बोला था ना 7 से 10 दिन का टाइम दीजिए आप लोग, इधर थोड़ा सा मामला कोर्ट में, जल्दी आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। स्टेट रैंक आ गई है क्या, नहीं अभी थोड़ा वेट करना है। सर, फॉर्म में करेक्शन हो सकता है, देखिए 2023 बैच तक, मतलब पिछले साल तक करेक्शन आपको नहीं दिया जाता था, इस साल जब इतना टाइम इनके पास बचा है, खाली टाइम है, तो पीएनपी को चाहिए कि चलो भाई कुछ नहीं, बच्चे खाली बैठे तो कुछ अपना करेक्शन निकल लें जिन बच्चों से फॉर्म में गलती हुई है, ताकि वो बच्चे काउंसलिंग में आगे उनको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या ही किया जाए। सर, बीटीसी का न्यू एडमिशन कब तक होगा, सब्र बनाए रखिए, न्यू एडमिशन क्या जो चल रहा वो न्यू ही है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अच्छी बात है। एडमिशन दोस्तों नवंबर के लास्ट तक देखिएगा, इसी महीने के लास्ट तक कुछ आपको अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। डेट फॉर्म फिल की एक्सटेंड होगी या नहीं, जी हाँ एक्सटेंड एक ही कंडीशन पर हो सकती है, ठीक है, कि स्टेट रैंक में अगर लेट हो रहा है तो थोड़ा सा और मौका दे दिया जाए बच्चों को। सर, जिससे मतलब स्टेट से सीटेट देंगे, मतलब जिस भी स्टेट से सीटेट का एग्जाम देंगे, क्या उस स्टेट में सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं। देखिए दो तरह का टेट का एग्जाम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं ना, तो यहाँ पर होता है यूपी टेट, यूपी टेट अगर पास कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश का यूपी स्टेट में शामिल हो सकते हैं।
लेकिन दोस्तों एक और बात समझ लीजिए, एक होता है सीटेट का एग्जाम। सीटेट का एग्जाम देके यूपी सुपर टेट में सम्मिलित हो सकते हैं, और सीटेट का एग्जाम देके बिहार में भी, ठीक है, बिहार बिहार ठीक है टेट में, मतलब सुपर टेट में सम्मिलित हो सकते हैं, जो हमारा 1 to 5 की वैकेंसी होती है। मतलब सीटेट का एग्जाम दे लेंगे तो आप इंडिया लेवल पर इलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को मानने से भी आप इनकार करते हैं। लेकिन ठीक, अभी तक सीटेट है फिलहाल, लेकिन यूपी टेट का पेपर पास करने से आप बिहार सुपर टेट में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। जैसे एक बिहार का टेट का भी एग्जाम होता है, बी टेट के नाम से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जानेंगे अभी आप लोग। सर, टेट की वैलिडिटी और सीटेट की वैलिडिटी कितनी रहती है? फिलहाल आपको बताते, सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर उस टाइम में कोई सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो सम्मिलित होकर नौकरी लीजिए। सर, काउंसलिंग करने पर क्या उसमें भी ओटीपी आएगा? यस, हाँ, ओटीपी तो इधर उधर आएगा, अभी आपको कुछ ओटीपी देखने को मिलेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो बिना रजिस्ट्रेशन के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। कुछ माइनॉरिटीज के कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ फीस आपको डबल ट्रिपल पे करनी पड़ती है, या आप बात कर लीजिए, कभी कभी कम में भी काम होता है, ठीक है। तो आप लोग के कुछ ही कमेंट्स थे, तो चलिए अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं कोर्ट वर्सेस सरकार क्या होता है। देखिए, अब मामला फंस चुका है, अब जल्दी एडमिशन हो इसके लिए जब सरकार अगर प्रयासरत रहेगी तो काम तेजी से होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट साथ आपका नहीं देगी तो ये प्रोसेस स्लो चलेगा। तो ये बात समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी रहेगी तो जो काम 7 दिन में होना है वो 1 दिन में हो जाएगा, जो काम 1 महीने में होना है, ठीक है, 30 दिन में गवर्नमेंट चाहेगी तो वो 1 हफ्ते में करा लेगी। तो ये फायदा होता है। तो देखिए, जब सरकार आपके पक्ष में रहती है ना, तो बहुत फायदा आपको उसका मिलता है, ठीक है। सारा प्रोसेस सरकार के थ्रू है। अब क्या है ना कि अब जब डबल बेंच में पीएनपी जाएगी, एक बात और याद रखिएगा, सिंगल बेंच का फैसला मैक्सिमम टाइम बदल दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम बदला ही जाता है, ठीक है, कुछ भी फैसला क्यों ना आ जाए। आपको भी लग रहा होगा कि 12वीं पास छात्रों को मौका दे दिया गया, क्या इसका मतलब ये है कि इनको एडमिशन मिलेगा? आपको बता दें, जो 69,000 अभी देख रहे हैं ना, अभी इसमें ये कहाँ गई न्यूज, ये वाली 69,000 शिक्षक भर्ती, इसकी दोस्तों कोर्ट की जो पहली अपडेट आई थी उसमें ना, ये जब वैकेंसी आई थी इसमें पासिंग मार्क तय नहीं था, पहले से क्लियर नहीं बताया गया था कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। जैसे आज आपको पता है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% है तभी आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, 45, ये बात आप जानते हैं ना। तो वैसे दोस्तों इस वैकेंसी में कुछ बताया नहीं गया था, तो उस समय कट ऑफ की लड़ाई शुरू होती है। पहली कट ऑफ थी 40 और 45% की, और दूसरी कट ऑफ थी 60 और 65%, ठीक है, ये सरकार ने बाद में लागू किया 60 और 65। 40 और 45% की कट ऑफ थी, इससे पहले भी वैकेंसी थी 68,500, ठीक है, तो उसमें 40-45 वाली कट ऑफ थी, तो बच्चों ने सोचा कि 69,000 में भी सेम कट ऑफ सेम नियम फॉलो होगा। लेकिन 69,000 में जो गवर्नमेंट थी उसने कट ऑफ को किया था 60 और 65%, और जो सिंगल बेंच का आदेश आया कोर्ट का, हाई कोर्ट से, वो 40-45 के पहले जीत होती है, उसके बाद जब मामला डबल बेंच गया तो 60-65 जीता डबल बेंच से, और सुप्रीम कोर्ट से भी 60-65 जीता, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि सरकार जिसके साथ खड़ी होगी उसका जीतना तय है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते भैया सबकी सैलरी बढ़ जाए। सहायक अभियंता के 550 पदों पर जल्द ही होगी भर्ती, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वैकेंसी आ रही है उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ गई थी ये देख लीजिए, ठीक है, अभी आप लोग की भी कट ऑफ बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगी, वो हम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आरक्षण बच्चे ने लगा है, यहाँ पर बिना आरक्षण के 232 नंबर जनरल कैटेगरी का बच्चा ये भी है, 231 नंबर जनरल कैटेगरी का बच्चा ये भी है, दोनों जनरल है, ये भी जनरल ये भी जनरल, लेकिन ये बच्चे थोड़ा होशियार थे, इतने AWS बनवा लिया तो इसको सरकारी कॉलेज यहाँ पर मिल गया, और ये बच्चा था भैया ठीक है AWS इन्होंने नहीं बनवाया, या हो सकता है ये उसके लिए एलिजिबल ना हो, दोनों कंडीशन है। मैक्सिमम टाइम बच्चे बनवाते नहीं, ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर DLED रजिस्ट्रेशन के विवरण आप देख लीजिए। तो फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा इसका प्रिंट ये आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। विज्ञप्ति यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेट रैंक 1 से 20,000 तक का मौका मिलता है, उसके बाद 20,000, 1 से 80,000, उसके बाद ये सारा, ठीक है, और उसके बाद ये सारी बातें हो गई हैं। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉटमेंट लेटर जो 10,000 देने पर मिलेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट फॉर्म भरते समय जो भी हमने आपको दिखाया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन का आपका प्रोविजनल भी लगेगा, साइबर कैंपस ले लीजिएगा, निवास लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पहचान हेतु आवेदन पत्र में
ठीक है, जो फॉर्म भरते समय आपने पैन कार्ड ये सब कुछ भी बताया होगा वो, उसके बाद आधार कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें, शपथ पत्र लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आपके जो भी सवाल हो वो पूछेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए, वीडियो के अंत में एक और बार हम कहते हुए जा रहे हैं, जो मामला चल रहा 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का, ठीक है, अगर बात योग्यता की आ जाएगी तो ज़्यादा बच्चे जो योग्य होंगे वो ग्रेजुएशन बेस वाले होंगे, इसलिए आपका थोड़ा सा पक्ष मजबूत भी रहेगा। ठीक है, शिक्षक कैसे बनेंगे, इसके लिए डीएलएड करना पड़ेगा, टेट पास करना पड़ेगा, सुपर टेट, डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, 50-50% चांस है क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। काउंसलिंग और स्टेट रैंक बहुत ही जल्द अब आपके सामने आएगा, करेक्शन नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ जनरल की 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी 200 प्लस, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा। फिलहाल यहाँ पर पावरफुल कौन ज़्यादा होती है, कोर्ट होती है, याद रखिएगा, कोर्ट से ज़्यादा पावर किसी के पास हमारे देश में नहीं है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।